कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आदि शक्ति माँ वैष्णो की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
समझाया। सुनकर बेटी के वचनों को माता हुई बेचैन, बिना तुम्हारे बेटी हमारे कटे नहीं दिन रैन। घोर तपस्या जंगल में तुम कैसे कर पाओगी, देख के नर पक्षी पशुओं को बेटी डर जाओगी। पर आने का मुझे है यार, ना चाहते हुए मात पिता आज्ञा दे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करने लगी प्रभु का ध्यान, अनजल उसने त्याग दिया, छोड़े संसार के काम। घोर तपस्या करने लगी वो रटे राम ही राम। राम लखन सीता के खोज में सागर तट आए, देख के कन्या की भक्ति को मन में हर्षाए। क्या चाहती हो पत्नी मेरी सीता, राम बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनाते हैं सुनाते हैं। महावेश्वर रूप में क्यों आई ये हम
ही दूरी पर हंसाली एक गांव, माता का एक भक्त हुआ था जिसका श्रीधर नाम। माता के चरणों में उसकी ऐसी लगी लगन, छोटी छोटी कन्याओं का करता था पूजन। सुनाते हैं पूछन चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बतला
सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। सुन श्रीधर की बात अचंभित भैरव बड़ा हुआ। गोरखनाथ गुरु को सारी बात बताने लगा। बोले गोरखनाथ कि देखे कौन है वो कन्या। कर दे हमको तृप्त अभी तक कोई नहीं जन्मा। अपने शिष्यों संग हम श्रीधर के घर में जाएंगे। देखते हैं वो कैसे हमको चेलों संग आए। बने हैं 56 भोग देख के वो तो चकराए। कुटिया उतनी बढ़ जाती जितने जन आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। सुनाते हैं माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। हाथ पकड़ना चाह कन्या हो भी था भैरों को बड़ा अभिमान। गर्भ जून की गुफा में माता फिर जाकर गई बैठ। खोज निकालूंगा मैं तुमको भैरों रहा था है। गुफा के द्वार पे एक साधु ने भैरों को समझाया। लौट जा वापिस भैरों वरना काल तेरा है आया। क्रोध में भर के साधु को दुत्कारा। क्या मुझको तुम नहीं जानते भैरो नाम हमारा। करते काम है पूरा जो जिद पे अड़ जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं।
बाग में जाकर रास्ता एक बनाया। कहाँ गई वो कन्या भैरव होने लगा बेचैन। जब तक भेद नहीं जानूंगा आए न मुझको चैन। त्रिकूट पर्वत की गुफा में विद्यमान थी माँ। कहाँ छुपेगी कन्या तेरा पीछा छोड़ू ना। लांगुर वीर को पहरे पे फिर भैरव पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का। लांगुर वीर को फिर भैरव ने युद्ध के लिए ललकारा। कहाँ थे पीछे हटने वाले दिया जवाब करारा। लेकिन लांगुर वीर पे भैरव पड़ने लगे भारी। क्रोध में भर के आ गई माता अष्टभुजा धारी। चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का। माफ तेरी मैंने इंसाफ किया। हे भैरो ये तप तेरा यूं व्यर्थ न जाएगा। जो मेरे दर्शन करेगा वो तेरे दर भी आएगा। माने जाए मेरे दर्शन तेरे बिना अधूरे। मेरे बाद तेरे दर पे आए तभी वो होंगे पूरे। इसीलिए जो सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का। सपने में आकर माँ ने श्रीधर को दिया पाल तो शीश झुकाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं।